आगे कथाक्रम में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य ऋषि ने रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन दोनों का नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सहदो गुणे अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सहदो गुणे आख्यास्यते राम भागवत के दसम स्कंद का आठवें अध्याय का बारहवां श्लोक पुनः पढ़ो। आख्यास्यते राम इति रामा नहीं है राम है। आख्यास्यते राम इति बलम रोहिणी नंदन का नाम बलराम रखा। बोलो दाऊ भैया की। ठाकुर जी का नाम रखना ही था गर्गाचार्य जी को। तो यशोदा मैया से हाथ जोड़ के बोले सुनो मैया बहुनी संत नामानी रूपाणी चा सुतस्य ते रूपाणी तान्यम वेदनो जलहा बहुनी संत नामानी। माँ आपके बालक के तो अनेक नाम हैं। कोई कृष्ण कहेगा कोई कनुआ कहेगा कोई कान्हा कहेगा कोई नंदनंदन कहेगा कोई यशोदा नंदन कहेगा कोई देवकी नंदन कहेगा कोई चितचोर कहेगा कोई माखन चोर कहेगा कोई मुरली बाला कहेगा कोई छलिया कहेगा कोई मोहन कहेगा कोई माधव कहेगा कोई गोपाल कहेगा कोई जगन्नाथ प्रभु कहेगा तो कोई द्वारकाधीश कहेगा कोई ब्रजेश्वर कहेगा कोई राशेश्वर कहेगा कोई योगेश्वर कहेगा कोई श्री कृष्ण चंद्र सरकार कहेगा। श्याम घनश्याम आदि बहुत नाम है आपके लाला के। बहुनी संत नामानी रूपाणी चा सुतस्यते गुणकर्मान रूपाणी तान्यम वेदनो जनः अनेक नाम है। लेकिन मैया ने कहा देखो महाराज हमें हजारों नामों से कोई मतलब नहीं एक नाम बढ़िया सा बताओ। अच्छा मैया सुनो है तो अनेक नाम पर तेरे लाला को एक नाम ही पढ़ो अच्छो है करस्यति कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता कृष्ण का अर्थ है करस्यति कृष्ण जो सारे संसार को अपनी तरफ खींच ले उसका जो मालिक है उन्हीं का नाम कृष्ण है। इसलिए तेरे लाला का नाम श्री कृष्ण पड़ेगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। ठाकुर जी बाल लीला करने लगे घुटमुन चलने लगे। धीरे धीरे भगवान ठाकुर जी बड़े भाई माखन चोरी की लीला की गोकुल छोड़ करके श्री धाम वृंदावन गए। वृंदावन में ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों ने वास किया क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। अच्छा एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे बोले वृंदावन ही क्यों पसंद है भगवान को वृंदावन को ही घर क्यों बनाया कहीं और बना लेते द्वारका को अपना बना लेते कितनी अच्छा तो निर्माण किया था पर वृंदावन ही क्यों भगवान को प्रिय है। बोले सुनो भागवत में आया वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम गोपे गोपी कबाम सेव्यम वृंदावन वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम इति वृंदावनम जहां पर वृंद के पौधों के समान भक्तों का समूह वास करता हो उस वन का जो नाम है उसका नाम वृंदावन है। इसलिए भगवान कहां रहते बोले जहां भक्त हो वहां भगवान।
वृंदावन बसाया क्यों? एक संत बोले, प्रेम की पिपासा देख देखने जे प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है, चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई जहां, भात प्रतिभात कुंज कुंज से सजाया है, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है, भक्तों के वास इसलिए वृंदावन बसाया है। धन्य है वृंदावन की महिमा, जहां भगवान का घर है, कण कण में ठाकुर जी जहां व्याप्त हैं, विराजमान हैं। वैसे तो पूरी दुनिया ठाकुर जी की है, पूरा विश्व, समस्त ब्रह्मांड, पर वृंदावन की खुशबू अलग है, क्योंकि वहां हमारे ठाकुर जी बिना पादुका के गली गली डोले, गायों के पीछे, कभी माखन चोरी की लीला कर रहे तो कभी घुटमन चल रहे, कभी ब्रजांगनाओं के साथ, कभी भूत भावन महादेव, अनेक अनेक बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े देव दर्शन करने को आते। ऐसा दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन है, जहां नित्य वास हमारे श्री बांके बिहारी का।